नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैवल NFX में। कपल्स के लिए घूमने की जगहें मुंबई में कौन सी हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बारे में। क्या आप सपनों के शहर मुंबई में कहीं घूमने जाने का या रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ और तेजी से भागती हुई मुंबई सिटी में कपल्स कहाँ घूमने जाएं, ये बात सोचने वाली है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेसी में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बता दें कि सबसे मॉडर्न सिटी में से होने के बावजूद भी मुंबई में रोमांटिक प्लेसेस की कमी नहीं है। मुंबई में कपल्स के घूमने के लिए कई ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। समुद्र तट पर रोमांटिक सैर कर सकते हैं या फिर एक सरप्राइजिंग डेट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें है सबसे पहले मरीन ड्राइव। कपल्स के साथ घूमने के लिए मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद कोई ऐसा कपल हो जो ना जानता हो। दक्षिण मुंबई तट के साथ नरीमन पॉइंट के दक्षिणी शोर से शुरू होने वाला मरीन ड्राइव मुंबई की बेस्ट रोमांटिक प्लेसेस में से एक है, जहां आप शाम के समय बहुत बड़ी संख्या में कपल्स को घूमते हुए देख सकते हैं। जब भी आप अपने कपल्स के साथ यहां पर आएंगे तो अपने प्यार के साथ बैठकर ढेर सारी बातें कर सकते हैं। अगर आप मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मुंबई की किसी शांत जगह को सर्च कर रहे हैं तो मरीन ड्राइव आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद है दोस्तों वर्ली सी फेस। सी फेस अरब सागर की लहरों और पानी के बहाव के साथ चलने वाली एक सड़क, जो मुख्य रूप से रोमांटिक सैर के लिए जानी जाती है। अगर आप मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक शाम बिताना चाहते हैं, तो आप वर्ली सी फेस जा सकते हैं। कपल्स के घूमने के लिए मुंबई की रोमांटिक जगहों में से एक है वर्ली सी फेस, जहां पर ठंडी ठंडी हवा चलती है और सुनहरी रोशनी के बीच एक यादगार शाम आप बिता सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया में फेरी राइड या नौका विहार करना मुंबई के कपल्स को बहुत अच्छा लगता है। गेटवे ऑफ इंडिया में नौका विहार करते हुए आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका के साथ समुद्र की ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की यात्रा में आप फेरी राइड करने के अलावा सूर्यास्त के आकर्षक दृश्यों को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा है यहाँ पर जुहू बीच। जुहू बीच वैसे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सुबह सुबह जाते हैं या फिर अगर आप यहाँ पर देर रात तक रुकते हैं, तो भी यहाँ पर भीड़ भाड़ में भी आपको एक अलग जगह मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जुहू बीच में आसपास आपको पब भी मिल जाएंगे। कई तरह के क्लब हैं जहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों यहां पर हैंगिंग गार्डन। अगर आप बहुत टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पाए हैं और अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर आप शहर से दूर एक दूसरे के साथ समय बिता सके, तो आप हैंगिंग गार्डन जा सकते हैं। कमला नेहरू पार्क के ठीक साथ में लगा हुआ है हैंगिंग गार्डन, जहां आपको बहुत सारे कपल्स दिख जाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा है यहां पर बैंड स्टैंड, जो कि बैंड्रा में है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको लंबी चट्टान दिख जाएगी, जहां पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं और वहां जाकर टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉगर्स पार्क भी मिल जाएगा, जहां पर कई बार आपको सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फेमस शाहरुख खान का भी घर देखने को मिल जाएगा। ये जगह इसी वजह से बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान, रेखा, इन लोगों के बंगले बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप इन लोगों को एक घर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा है एक ऐसी जगह जो कि आपको जोड़ेगी प्रकृति से, जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। ये आपको बोरीवली में मिलेगा और अगर आप हरियाली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, अगर आपको हिरन देखने का मन हो या फिर आप हिरन, तेंदुए, सांभर, साही, माउस हिरण, चार सींग वाले मृग और कई तरह के ऐसे जानवरों को देख पाएंगे जो कि शायद आपको आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रजाति के पक्षी भी देखने को मिलेंगे जो कि बाहर आपको नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आकर फोटोग्राफी, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, नौका विहार, इस तरह के काम कर सकते हैं और अपना पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मुंबई में है अक्सा बीच, जहाँ पर आप जा सकते हैं। मलाड के पास ये पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको काफी खूबसूरत सूर्यास्त या फिर सूर्योदय देखने को मिलता है। इस जगह पर जाकर आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको एक सुकून जरूर मिल जाएगा। दोस्तों मुंबई में है एलिफेंटा केव्स, जहाँ आप जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था अभी बोरीवली के नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क के अंदर आपको कनेरी केव्स मिल जाएंगी, आप वहां भी जा सकते हैं। और मुंबई में है एसएल वर्ल्ड, अगर आप राइड्स लेना चाहते हैं, अगर आप वाटर पार्क में एडवेंचर करना चाहते हैं, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर है एक स्ट्रीट मार्केट, अगर आप स्ट्रीट मार्केट की शॉपिंग करना चाहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ इस तरह की चीजें देना चाहते हैं जो कि डिजाइनर है, अप टू डेट है, मॉडर्न है, तो आप स्ट्रीट शॉपिंग भी करवा सकते हैं। बांद्रा में हिल रोड पे ये शॉपिंग सेंटर है, ये पूरी रोड पर ही इन्होंने अपनी शॉप्स लगा रखी होती हैं और बहुत ही ज्यादा अपडेटेड कपड़े, जूते, डिजाइनर बैग्स, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ट्रैवल NFX के साथ। हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे।